अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है कोरलड्रा 2021 यानी 2021 में न्यू ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है बैकग्राउंड कटिंग, यानी बैकग्राउंड कटिंग कोरलड्रा में बहुत सारे, लेकिन जो ट्रिक्स मैं लेके आ रहा हूँ और मैं पेश कर रहा हूँ वो एक अमेजिंग ट्रिक्स है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हसबी रिवायत, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंचे रहे। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आपको कोरलड्रा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कोरलड्रा के साथ 2-3-4 सॉफ्टवेयर और मुंसलिक होते हैं, जिसमें सबसे अहम जो है ना वो है कोरल प्रोटोपेंट। ठीक है, इसको साथ लाजमी इंस्टॉल कर दे, या अगर आपके पास इंस्टॉल है तो ठीक है, वरना इसके साथ इनकी बैकग्राउंड कटिंग में इनका साथ जुड़ा हुआ है, अगर नहीं है तो उसको साथ इंस्टॉल कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोरलड्रा ओपन कर लेता हूँ। कोरलड्रा ओपन करने के बाद ये मेरे पास एक इमेज है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिटमैप RGB। ठीक है, और ये बिटमैप का जो है ना अपना सेटिंग है। ठीक है, अब मैं इसकी बैकग्राउंड कट करना चाहता हूँ। अब इसके साथ ये बैकग्राउंड है, मेरे पास दूसरा पिक्चर है, इसके पास ये बैकग्राउंड है, तीसरा पिक्चर है, इसके साथ मैं ये ज़रा उसको एक और कलर दे देता हूँ। इसके साथ ये वाइट बैकग्राउंड है, तो इन सारों को मैं आसानी से आपके सामने ये कटिंग करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप पसंद करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये पहला वाला बैकग्राउंड पिक्चर है, अब मैं उसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड क्लिक करके यहाँ से एडिट में बिटमैप कर दूँगा, या यहाँ पर जाकर और प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर वहाँ भी एडिट बिटमैप है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये अभी कोरल प्रोटोपेंट में ये चला जाएगा। अब ये तस्वीर कोरल प्रोटोपेंट में ओपन हो चुका है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब ये है कोरल प्रोटोपेंट। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे पहले आप जाकर इमेज में जाने के बाद टॉप पर है कट आउट लेव। ठीक है, ये कैंची का निशान लगा हुआ है, कट आउट लेव पर आप क्लिक कर दे, ये दूसरी विंडो ओपन हो चुकी है। अब इसको भी मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास ब्रश है, ये ब्रश थोड़ा सा ईजी नहीं चलता, थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, लेकिन ये इमेज बड़ा है और ब्रश का साइज़ वो छोटा है, तो यहाँ पर ये निफ साइज़ जो है ना आप इसको कर दे, तकरीबन कर दे 45। ठीक है, अब ये हो गया बड़ा। अब इसकी जो बाउंड्री है इसी पर आप ये ग्रीन लाइन खींचते रहे ताकि बैकग्राउंड भी टच हो और इमेज भी टच हो। ये ब्रश जो है ना ईजी नहीं चलता, ये थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। ठीक है, ये बाउंड्री पे जो ग्रीन निशान है ये लगा दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ ब्रश के साथ एक पिल का टूल नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दे और यहाँ पर आप पिल कर दे, तो ये एक ग्रीन कलर बाउंड्री बन गई और ब्लू कलर जो है ना ये हो गई क्या फिल। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू में चेक कर दे कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि नहीं। जब मैंने प्रीव्यू चेक किया तो यहाँ पर आप जूम क्लिक कर दे कि यहाँ पर निब में थोड़ी सी जो है ना निब में, तो यहाँ पर ये है 8 और ये है माइनस रिमूव, तो यहाँ पर मैं 8 का जो ब्रश कर देता हूँ और सेज में कर देता हूँ 25। ठीक है, यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा कर दूँ ताकि ये अच्छा, अगर आपको यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड जो है ना आप चेंज कर सकते, ग्रे स्केल कर दे, ग्रे स्केल करने के बाद ब्लैक कर दे, ब्लैक या नहीं वाइट कर दे, तो
तो वेट में ये आपको बेस्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अंदरूनी पिल कर देता हूँ, और ये है माइनस में, माइनस में आप यहाँ से जो है ना, अगर 19-20 हो तो आप यहाँ पर ठीक है, आप बाकी देख रहे कि बाकी सीटें यहाँ पर भी थोड़ी बहुत है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दे। ओके करने के बाद यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पर आप सिंपली सेव कर दे। ये कोरल प्रोटो पेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको आप मिनिमाइज कर दे, तो ये आपके पास आ गया बैकग्राउंड कट। अब इसकी मैं तो ये हो गया इसकी बैकग्राउंड मुकम्मल कट। आप ये है बिल्कुल आपके पास, किसी भी डिज़ाइन में आप लगा सकते हैं, किसी इमेज में लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक इमेज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप इस इमेज में ये आप यहाँ आकर छोटा कर दें, और यहाँ पर ये लगा दें, शिप पेज अप कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट। ओके, ये तो हो गया। आप इसके बाद मैं एक दूसरी इमेज पर काम कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास एक फ्लावर है, फ्लावर है, इसी तरह मैंने बता दिया कि यहाँ पर रेड माउस क्लिक कर दे और ई ड्रिप बिटमैप कर दे। ठीक है, अब मैं पहले वाले को कर देता हूँ डिलीट। अब मेरे पास ये एडिट प्रिंट रहेगा। ठीक है, आप जाकर इमेज कट आउट लेफ, ठीक है, आप वो मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, और ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा कर देता हूँ 35, 35 भी कम है, 45 कर देता हूँ। ये अक्सर किसी के पास एडोब फोटोशॉप नहीं होता और कटिंग का ज़रूरत होता है, तो ये इसके लिए बेस्ट और अमेजिंग तरीका है। अब मैं ये क्योंकि ट्यूटोरियल है तो मैं रफ सा कर रहा हूँ, आप अगर ख़ुद से करना चाहते हो तो फिर संजीदगी से आप कर ले, क्योंकि अगर मैं रुक रुक के जाऊँगा तो ये काफ़ी टाइम लेगा फिर। लेकिन मैं सिर्फ सिंपली आपको तरीक़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप आकर यहाँ पिल कर दे। पिल करने के बाद यहाँ पर प्रयोग कर दे। प्रयोग करने के बाद ठीक है, आप इसके अगर माइनस प्लस करना चाहते हो ठीक है, वरना कर दे ओके। ओके हो गया, यहाँ पर आके सेव कर दे। ठीक है, और यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दे। यहाँ पर मैं एक इमेज लेके आ रहा हूँ, या मैं कोई बैकग्राउंड लगाऊंगा। ठीक है, बैकग्राउंड लगाने के बाद यहाँ आप देख ले, तो ये फ्लावर बिल्कुल सही तरीके से हो गया कट। इसमें कोई एरर, कोई पत्तों के जो कोने वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त। ठीक है, ये हो गया। अब मैं तीसरी पर बात करना चाहता हूँ। अब मैं पहले वाली को रिमूव कर दूंगा। तरीका कार क्या है कि आपके पास इमेज है, इसके साथ बैकग्राउंड है। ठीक है, इमेज यहाँ पर आप यहाँ से जाएंगे एडिट पेंट में, या आप यहाँ पर रेड माउस क्लिक कर दें। हो गया, ये कोरल पटू पेंट में आप ओपन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस के साथ जूम कर दें, ठीक है। और तरीका क्या है, इमेज कट आउट लैप, ठीक है। ब्रश, ब्रश का साइज अब बड़ा है, मैं कर देता हूँ 10, ठीक है, 10 नहीं बल्कि मैं कर देता हूँ 15। और इसी तरह इमेज तो बड़ी आसानी से कट हो सकती है। ठीक है, आउटलाइन हो गया। यहाँ पर आकर फिल कर दे, फिल करने के बाद यहाँ पर प्रीव कर दे। प्रीव करने के बाद अब देखो, मैंने इसलिए ये इमेज सेलेक्ट किया ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड भी वाइट था और ये डॉगी का जो पाँव था वो भी वाइट थे। तो यहाँ पर ये इमेज आपको मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि आप यहाँ पर ये प्लस वाला ब्रश लेकर और यहाँ पर आप कर दें फिल। अब देखो ये वही अपना जो है ना, जो एरर था, जो मिस्टेक थी वो यहाँ पर। अब देखो, अब धूम में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, अब मैं माइनस पर यहाँ काम करूँगा। माइनस में भी कुछ गड़बड़ था। अब मेरे ख़्याल में इसकी यहाँ पर भी, ये मुंह में भी वाइट था यहाँ पर, तो मैं प्लस का ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं, आप देख रहे हो वो सारे पिल हो चुके, यहाँ पर भी मिस्टेक था मेरे ख़्याल में, और इसमें नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, ओके ओके करने के बाद यहाँ पर आप कर दें सेव। सेव करने के बाद कुत्ता वहाँ से, बैकग्राउंड ख़त्म, ठीक है। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल, उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।